सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं निशा यू टीवी चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट जगदीश प्रसाद जी। जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे यू टीवी चैनल में। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज जो समाज की जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के हालात तो ठीक है, समाज में क्या दिक्कत है? समाज अपने स्तर पर मजबूत है, काम कर रहा है, समाज के हालात में कोई दिक्कत नहीं है। और जो देश के हालात चल रहे हैं वो? देश के हालात गंभीर हैं, देश टूट की कगार पे है, विघटन की कगार पे है, संघर्ष की कगार पर है। सरकार की पॉलिसी इतनी गंदी है, इतनी निग्रोज हैं कि देश को बचा पाना बड़ा मुश्किल सा महसूस होता है। आज की डेट में जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, लगता नहीं कि वो राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि उनके विचार राष्ट्रवादी नहीं लगते, वो राष्ट्र के खिलाफ लगते हैं उनके काम। जातियों में पिछले 4 साल में जातियों में बढ़ता संघर्ष, सामाजिक द्वेष, आपस में मनमुटाव, कामना नहीं की थी कि ये सरकार ऐसा करेगी जी। पर दुख और बड़े सोचने और समझने वाली बात है कि पिछले 4 साल में सामाजिक संघर्ष बढ़ा है, जाति संघर्ष बढ़ा है। जिस विकास के लिए ये सरकार चुनी गई थी, 31% देश के लोगों ने इस सरकार को चुना था, शायद उन 31% लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि देश की ये चुनी हुई सरकार काम नहीं कर पा रही और काम किया भी नहीं है। ये नुकसान देश का है और देश सबसे पहले, जातियां समाज बाद में। देश रहेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तभी विकास होगा, विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। विकास हुआ नहीं है, विकास कागजों में हो रहा है। अगर जो विकास हुआ है तो छोटी छोटी चीज़ों पर हुआ है। थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ, पेट्रोल के रेट 80 रुपये हो जाते हैं, आज का जो डॉलर का प्राइस है वो 72 रुपये हो जाता है, महंगाई बढ़ी है, लोगों में टॉलरेंस कम हुआ है, लोगों में सहनशीलता कम हुई है। ये नुकसान है, ये देश का ही नुकसान है। हम देश के हिस्से हैं, नुकसान देश का है तो हमारा है और ये नहीं होना चाहिए। सर, आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि जिससे देश आगे बढ़े? जो वादे हैं उन पर काम होना चाहिए, शिक्षा पर काम होना चाहिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा की ज़रूरत है हमारे देश में जी। तंत्र मंत्र कथावाचकों की ज़रूरत हमारे देश में है नहीं, तो देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। नई जनरेशन है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, विद्यालय खोलने हैं, संचार सुविधा अच्छी करनी है, सड़क निर्माण करना है, साइंटिस्ट हैं उनके लिए कुछ काम करना है, एजुकेशन लेवल पर कुछ काम करना है। ये काम करने के हैं, सरकार इन पर काम क्या कर रही है? अभी तक कोई नई पॉलिसी एजुकेशन को लेकर कोई नहीं की गई। यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मुझे बहुत हैरानी होती है, इस बात को कहते हुए भी बहुत हैरानी है और सोचने और समझने का विषय है। बुद्धिजीवी लोग मेरे हिसाब से इस बात को समझेंगे कि विषय कितना गंभीर है। केवल 65 साल में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो ज़मीन के नीचे दफन थे, वो 65 साल में केवल खड़े हो पाए। आज वो खड़े हो पाए तो जो सदियों से जिन लोगों ने शोषण किया, वो लोग आज कहते हैं कि सब समान हो गया, बराबर हो गया। तो ये बड़े बहुत सोचने की बात है कि कैसे बराबर हो गया। शिक्षा कितनी बराबर हो गई, नौकरियां कितनी बराबर हो गईं। सोचने का विषय कि 7% लोगों को केवल नौकरी, सरकारी नौकरियों का बेनिफिट मिला है शेड्यूल कास्ट में, एसटी में, एससी में, ओबीसी में, माइनॉरिटी में,
और बहुत दुख की बात है ओबीसी समाज को आज तक भी बराबरी का भाग नहीं दे रहे ये लोग। ओबीसी समाज जिस संख्या में भारत में है उस संख्या में नौकरियों में होना चाहिए था जी। जो नहीं हुआ तो ये पिछड़ापन है। अगर उन सबको बराबर लाया जाए, एससी को भी बराबर मौका दिया जाए, जो उनका बैकलॉग है वो भरा जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, टीचिंग में, जुडिशरी में, तो देश आगे जाएगा जी। 65 साल में ही इस देश को साइंटिस्टों का देश कहा गया जी। 65-70 साल में ही इस देश को डॉक्टरों का देश कहा गया, इंजीनियर्स का देश कहा गया, वकीलों का देश कहा गया, बुद्धिजीवियों का देश कहा गया। 70 साल पहले हमारे इस भरे पूरे संपन्न देश को सांप सपेरों का देश कहा गया। तो वो मेहनत किसकी है? उस वर्ग की मेहनत है जो इस देश का मूल निवासी, कंधे से कंधा मिलाकर उसने काम किया है, मेहनत कश लोग हैं, उन लोगों को बराबर में आने का हक है और उनको बराबर में लाया जाए तो मेरे हिसाब से समाज भी तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, और जो हमारे ऊपर ठप्पा लगाया कि सांप सफेदों का देश है वो भी टैग हटेगा। जो शिक्षा की आप बात कर रहे थे, तो शिक्षा में आप बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ पहले तो, पर मैं एक समाज का आदमी हूँ, मैं भी समाज का एक पार्ट हूँ, मैं एक समाज का पार्ट हूँ, तो समाज के पार्ट के नाते मैं भी एक बात समझता हूँ कि शिक्षा में काम करने की बहुत ज़रूरत है, इक्वल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो इस देश में दोहरी एजुकेशन सिस्टम बन गया है वो थोड़ा सा गंभीर है। इक्वल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक पैसे वाले का, एक धनवान का बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, क्लास 1 5-स्टार स्टाइल के स्कूल में पढ़ता है, और एक गरीब का बच्चा एक लोअर क्लास लोअर स्टैंडर्ड के उस स्कूल में पढ़ता है जी। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये डिफरेंस क्यों। एजुकेशन समान होनी चाहिए, वो बच्चे का मानसिक स्तर बराबर होना चाहिए। टैक्स हम भी देते हैं, टैक्स वो रईस भी देता है, टैक्स एक गरीब भी देता है, उस पर सब तरीके के टैक्स लगते हैं, तो उसका शोषण क्यों? गरीबी अपने आप में शोषण है, और एजुकेशन स्टैंडर्ड पे काम होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ का प्राइवेटाइजेशन जिस प्रकार हो रहा है ये देश के लिए बहुत गंभीर, घातक और नुकसानदायक है। एजुकेशन से ही देश बनेगा, एजुकेशन से ही देश बढ़ेगा, एजुकेशन ही इस देश की नींव बनेगा। किसी भी सभ्य समाज की नींव एजुकेशन होता है, शिक्षा होती है। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने ये बात कही है। शिक्षा बहुत महत्व रखती है। मेरी सरकार से अपील है, शिक्षा पर काम किया जाना अति आवश्यक है और उनको करना भी चाहिए। आप वकील हैं जी, वकालत में आप कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप लाना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आई एम रियली हैप्पी। मैं वकील हूँ तो वकालत में ज़रूर लाऊँगा। मेरा सपना है कि 10-15 बच्चों को मैं वकालत में भी लाऊँ। आपके पास कोई हो तो मेरे को दे दीजिए, उन्हें वकील बनाएंगे। बाबा साहब का सपना है, पढ़ो लिखो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो। अगर मैं वकील हूँ तो मैं लाऊँगा ना अपने, मैं मर गया, बाबा साहब नहीं रहे आज हमारे बीच, उनका शरीर नहीं रहा, उनकी आत्मा हमारे साथ है जी। तो बाबा साहब हमें कलम दे के गए और अपनी किताब, हम बैरिस्ट्री की किताब, वकालत की किताब हमें दे के गए कि इसको पढ़ो बेटा और आगे बढ़ो। मेरे को भी मरना है, जिंदा नहीं रहना है, तो मैं अपने मरने से पहले कम से कम 15-20 जितने भी लोग हो सकते हैं तो वकालत में मैं भी लाऊँगा, और मुझे लाना भी चाहिए। मेरे साथ साथ जितने मेरे वकील भाई हैं उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए, जब तक हमारा कारवा खड़ा नहीं होगा, हम शिक्षित नहीं बना पाएंगे लोगों को, तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए वकील मैं UTV चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अगर आपके पास लॉ करने के इच्छुक व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल, आपकी जो पूरी सहायता होगी मैं पूरी मदद करूँगा,
आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी अपील है, आप अपने बच्चों को दीजिए, वकालत में लाइए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है और समाज में इससे सम्मान भी मिलेगा और समाज के काम भी आप आ पाएंगे। किस तरीके की हेल्प आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड पर जिस प्रकार की भी हेल्प होती है मैं वो सारी ही दूंगा। उसके लिए क्राइटेरिया नहीं होता है कि मैं किस प्रकार की हेल्प दूंगा। मेरा मादा केवल हेल्प करने का है, तो उसको मैं हेल्प के माध्यम से ही देखना चाहता हूँ। समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको निभाना चाहता हूँ, आगे कारवा बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने सामने 10-20 वकील खड़े कर दूँ तो यही मेरे लिए काम है और बाबा साहब का यही सपना आगे बढ़ाने का। और हेल्प की बात ऐसी कि मैं किसी का हाथ पकड़ूंगा तो कोई मेरा हाथ भी पकड़ लेगा। तो मेरा काम और मेरा कारवा सिर्फ ये है कि मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और हेल्प की बात है कि जो मेरे से हो पाएगा, स्टेशनरी है, किताब है, पैसे हैं, जो भी हो पाएगा, टू बी बेस्ट टू बेस्ट मैं करूँगा। मतलब हमारे बहुजन समाज के बच्चों के लिए आपने ऑफर दिया? जी, केवल बहुजन समाज के लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल आज की डेट में जब टूटा हुआ समाज किसका है, कमज़ोर कौन है? बहुजन समाज के लोग हैं ना जी। तो बहुजन समाज के लोगों को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। ये अगर मेरे से शुरू होता है तो मैं सौभाग्यशाली, तो मैं, मेरे को करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। बहुजन समाज के किस लेवल के बच्चों की आप हेल्प करेंगे? बहुजन समाज होता है, समाज ही, मैं समाज की हेल्प करूँगा, क्राइटेरिया तय नहीं करूँगा मैं जी। मैं केवल समाज की हेल्प करूँगा और समाज मेरे लिए प्रायोरिटी रखता है। स्टैंडर्ड मेंटेन करना एक अलग बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो शिक्षित समाज है उसको सारी नॉलेज ही होगी, हो सकता उसको ना भी पता हो। तो मेरा मादा केवल समाज को आगे बढ़ाने का है। सर, ये मैंने इसलिए पूछा है कि जो बहुत से हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं जो लॉ कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके पास इतने पैसे नहीं है लोग की फ़ीस भरने के लिए, पढ़ने के लिए, इसलिए पूछा आपसे। जी, ये अच्छी बात है। जो सक्षम है उनको कोई आवश्यकता नहीं, पर उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो मार्गदर्शन मैं दे दूंगा, ये मेरा काम है। और रही बात जिनकी शिक्षा की, जिनको शिक्षा के लिए अभाव है, पैसे की थोड़ी दिक्कत है, तो उनकी पैसे से भी मदद करी जाएगी जी। वो हमारा काम है, वो करेंगे हम। साथ है एडवोकेट जगदीश प्रसाद जी, जिन्होंने ये बताया कि समाज के बच्चों के लिए वकील की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने ये ऑफ़र भी दिया अपने समाज के बच्चों के लिए कि वो उनको वकील की पढ़ाई पढ़ाएंगे अपने तरफ से, 10 या 15 जो भी बच्चे हैं वो अपने तरफ से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुजन समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। यमुना विहार से मैं निशा, यू टी वी।